दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका को लेकर, बैक पेन को लेकर। बैक पेन या कमर दर्द होना एक बड़ी सामान्य समस्या है और इसकी वजह से आप कई सालों से अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, कई सालों से आप परेशान हो रहे हैं, दवाइयां खूब खा ली आपने लेकिन आपको आराम नहीं लगता और सालों साल तक यदि आपको सियाटिका का पेन बना रहता है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरह से आपको अपने सियाटिका को के पेन को समझना है या जो सियाटिका वाकई में आपको हुआ है वो सियाटिका भी है या नहीं है, पहले इस बात को भी जानना जरूरी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। सियाटिका यानी सियाटिक पेन, सियाटिक नर्व को के दबने से होने वाला पेन। सियाटिक नर्व सबसे बड़ी नर्व होती है और L1, L2, L3, L4, L5 जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं उनसे एक एक नर्व आपकी निकलती है। ये सारी नर्व के रूट जो हैं ये एक साथ मिलकर एक बड़ी नर्व बनाते हैं जो आपके पैरों तक नीचे तक जाती है उसकी ब्रांचेस, ये सियाटिक नर्व होती है। बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी में उसकी एनाटॉमी पे मैं नहीं जा रहा हूं कि वो और कहां कहां तक जाती है, बस जानने वाली बात यह है आपके लिए समझने की क्या जो आपको तकलीफ हो रही है वो सियाटिका है भी या नहीं है, या आप बेवजह ही बेवकूफ बन चुके हैं, या ये समझ लीजिए कि आप खुद ही अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बात समझना बहुत जरूरी है, हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। मेरा एक वीडियो है आप जरूर देख लीजिएगा, हजारों लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया, इस बात का, इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाया कि हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। पहले हम इस बात को समझते हैं, हर कमर दर्द सियाटिका क्यों नहीं होता। देखिए, कमर दर्द होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि आपने कोई भारी सामान उठा लिया तो आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपकी नस खिंच गई है, हो सकता है आपको डिस्क दब गई हो सकता है आपको डिस्क नहीं दबी हो सकता है केवल मांसपेशियों में खिंचाव हो। समझते हैं एक के बाद एक, कमर में दर्द होना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका एक लॉजिक जो सबसे मेन कॉमन लॉजिक है वो ये है कि कमर दर्द होने का पहला कारण हमेशा रहेगा आपके शरीर में पोषक आहारों की कमी, और वो पोषक आहार कैल्शियम और फॉस्फेट हैं जो आपके हड्डियों के भोजन है, हड्डियों का फूड है, हड्डियों की ताकत है। आपके हड्डियों की ताकत कैल्शियम और फॉस्फेट पर डिपेंड करती है और विटामिन डी पर डिपेंड करती है, साथ में वाइटामिन सी। तो चार चीजें होंगी, कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी और वाइटामिन सी। क्या आपकी हड्डियों में इन चारों में चीजों की जरूरत जितनी चाहिए उतनी है? यदि नहीं है तो आपकी कमर में दर्द होगा। ये एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, ये सियाटिका नहीं है। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बोला था, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन याद रखिएगा पहले पूरा वीडियो देखना, पूरी बात समझना, उसके बाद ही आप MRI में जाएंगे, CT स्कैन पे जाएंगे, X-rays में जाएंगे और बाकी चीजों को पढ़ेंगे। पहले पूरी बात समझ लीजिए, कमर दर्द होता कैसे है और हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। पहली चीज, आपके कमर में दर्द हुआ क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके शरीर में न्यूट्रिशनल चीजों की कमी है, तो आपको हमेशा बस लेना होता है कैल्शियम और वाइटामिन डी का सप्लीमेंट और वाइटामिन सी का सप्लीमेंट। इतना करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या आपको दर्द जो है उसमें राहत मिल जाएगी, और हो सकता है बहुत समय तक आपको ये दर्द हो ही ना। दूसरी बात, यदि कमर में दर्द आपको हो रहा है तो पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म होता है, आसपास की जो मांसपेशियां हैं, रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां वो खिंच जाती हैं। वन साइडेड आपने कुछ लोड उठाया और आपने वन साइड पोस्चर रखा तो आपको पेन होना चालू हो जाता है। तो ये भी केवल मसल्स का स्पाज्म है, ये भी ज्यादा दिन नहीं रहता, लेकिन ये भी सियाटिका नहीं है। और कभी कभी बार बार ये सब करने से या वजन बार बार उठने से आपको पेन हो सकता है। तीसरी बात, मैंने आपको बता दिया कैल्शियम की कमी, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी और पोस्चुरल एब्नॉर्मलिटी वजन उठाने की वजह से। लेकिन एक और चीज होती है, जब आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप बैठते ठीक से नहीं है और आप इस तरह से आराम से बैठना चालू करते हैं, तो जैसे ही आप इस तरह से आराम से बैठना चालू करते हैं तो आपके कमर में दर्द कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद या 6 महीने बाद, 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी समय बाद आपको स्टार्ट होना हो, वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक पोस्चर की एब्नॉर्मलिटी है, यहाँ पे भी आपका सियाटिका नहीं आता। अभी तक हमने सियाटिका की बातें की ही नहीं,
क्यों नहीं की? क्योंकि हमने बोला है हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। तो पहले करेक्ट कर लीजिए कि आपके जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें चल रही है जिसको आपको करेक्ट करने की जरूरत है। पहला आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करना है, दूसरा आपको खान पान करेक्ट करना है, तीसरा आपको अपने बैठने का पोस्चर ठीक करना है, और चौथा इस बात का याद ध्यान रखना है कि आप वजन उठाते समय डायरेक्टली बहुत ज्यादा लोड अपनी बॉडी पे नहीं उठाएंगे यदि आपको पहले दर्द हुआ है या यदि आपको कमर में थोड़ी सी वीकनेस महसूस भी होती है। अब हम आते हैं असल में सियाटिका क्या होता है। तो सियाटिका क्या होता है इस बात को समझते हैं। अभी तक जो आपने समझा कि कमर दर्द के और क्या कारण होते हैं, तो ये कुछ सामान्य कारण है जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। सियाटिका एक्चुअल में होता क्या है? सियाटिक नर्व के बारे में मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे फोटो भी लगा के दूंगा, और मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें मैंने हमेशा सियाटिका के वीडियो को प्रायोरिटी दी है। मैंने हमेशा कहा है कि इतने ज्यादा तमाशे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दवाइयां भी खाने की जरूरत नहीं है, सियाटिका ठीक हो जाता है और सियाटिका का इलाज है। कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। सियाटिका सियाटिक नर्व का दबना है। आपके कमर में L1, L2, L3, L4, L5 से अलग अलग जगह से एक एक नर्व का रूट निकला और नर्व रूट जुड़ के हुए एक बड़ी नर्व बन गई। ये नर्व जो है किसी भी एक जगह पे L1 से L2 के बीच में, L2 से L3 के बीच में, L3 से L4 के बीच में और L4 से L5 के बीच में हो सकता है कंप्रेस हो जाए या दब जाए। जब भी ये नर्व कंप्रेस होती है तो आपको दबने की वजह से झुनझुनी, जलन या खिंचाव वाला दर्द हो सकता है या चुभन वाला दर्द हो सकता है कमर में। लेकिन ये दर्द केवल कमर में नहीं रहेगा, ये दर्द आपका नीचे तक जाएगा। कमर का दर्द जब आपके रीढ़ की हड्डी से कमर में आते हुए कूल्हे से होता हुआ नीचे थाइस से यानी जांघों से होता हुआ पैर में नीचे तक जाए तभी हम मानेंगे कि सियाटिका है, अदरवाइज सियाटिका नहीं है। हो सकता है ये डाउटफुल केस हो, कंफर्मेशन नहीं होता। सियाटिका के केस में आपका दर्द कमर में नहीं रहेगा, केवल कमर में नहीं रहेगा, आपका दर्द नीचे ट्रेवल करेगा ही करेगा ज्यादातर केसेस में। बहुत कम केसेस हैं जिसमें नीचे ट्रेवल नहीं करता, अदरवाइज दर्द आपका पैरों में जाएगा या कम से कम आपके बैक तक आएगा या थाइस तक तो आएगा ही आएगा। थाइस में पीछे की तरफ भी आ सकता है, थाइस में सामने की तरफ भी आ सकता है, ज्यादातर दर्द पीछे की तरफ आता है, पिंडलियों में जाता है या पिंडलियों आपकी जो पैर की हड्डी है ये बड़ी वाली जो हड्डी है यहाँ सामने भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर दर्द जो है वो पीछे से होता हुआ नीचे की तरफ तलवों में जाता है। तो ये है समझना कि सियाटिका में दर्द असल में होता कैसे। अब ये दोनों तरफ हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, मतलब एक पैर में भी हो सकता है, दोनों पैर में भी हो सकता है, मतलब यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, और दोनों पैरों में भी वही कंडीशन एक साइड, या चलने फिरने में आपका जो पोस्चर है वो गड़बड़ होने लगे और थोड़ा पैर लचकता हुआ सा चलने लगे, तो समझ लीजिए आपको नस दब रही है, नर्व दब रही है। नस दबने का मतलब है नर्व। मैं बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मेडिकल साइंस के, ताकि आप बातों को समझ पाए, क्योंकि इन जनरल यदि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करूँ तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और डिस्प्ले में भी देख लीजिएगा, हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। अब सियाटिका कितने प्रकार का होता है, सियाटिका जब होता है तो उसके साथ में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सियाटिका का जिस तरह का पेन है उस पेन के साथ में और भी दूसरी तकलीफें आती हैं। ये चार कंडीशंस डेवलप होती हैं। अब मैंने बताया कि हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता, दूसरी बात सियाटिका कोई एक बीमारी नहीं है, सियाटिका बीमारियों का ग्रुप है और उसकी वजह से दूसरी बीमारियों की वजह से होने वाला एक लक्षण है। सियाटिका अपने आप में कोई भी एक बीमारी नहीं है। पहला सेंटेंस जो मैंने बोला आपको वो हमेशा याद रखिए, सियाटिका हर कमर दर्द सियाटिका नहीं होता। दूसरी बात मैंने बोली कि सियाटिका अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। पहली बीमारी जो आपके कमर में होती है, बीमारी का मतलब है ऐसी कंडीशन आपके कमर में डेवलप हो जाए जिसकी वजह से दर्द होने लग जाए और फिर आप उसे सियाटिका बोलने लग जाते हैं। तो ये कब डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा जब आप MRI करेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI की मशीन में आपको MRI कराना होता है या आप CT स्कैन करा रहे हैं आपके बैक का, तब आपको समझ में आएगा कि चार कंडीशंस मुख्यतः इसके साथ में बनती है। तब आप बोलते हैं कि यार ये जो दर्द है ये सियाटिका है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, उसको समझना। मैं यहाँ फोटो लगा के दूंगा। पहला टर्म जो होता है वो होता है डिस्क प्रोलैप्स।
आपकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं उन दो हड्डियों के बीच में सॉफ्ट टिश्यू टिश्यू है जो रबड़ का काम करता है, ये दब के बाहर निकलता है एक पाउच जैसे, और ये पीछे नस को दबाता है आपकी कौन सी जो नर्व रूट वहां से निकली है, जो भी नर्व फाइबर वहां से निकला है रीढ़ की हड्डी से, तो ये जो फाइबर निकला ये नर्व रूट को दबाया और नर्व रूट दबा तो किसके फाइबर निकले, डिस्क के फाइबर, डिस्क मतलब जो सॉफ्ट रबड़ है उसका, दो हड्डियों के बीच में सॉफ्ट रबड़ दबा, प्रेशर पड़ा, दबा और आपकी तकलीफ क्या हो गई, डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, डिस्क की वजह के दबने की वजह से नसों पे दबाव पड़ा, डिस्क ऊपर से नस पे दबाव पड़ी और इस तरह की दो डिस्क के बीच से दबाव जब पड़ा तो आपके दर्द हुआ सियाटिक पेन। ठीक है, सियाटिका अपने आप में एक बीमारी हुई क्या? नहीं, ये दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला एक लक्षण है। दूसरी चीज, दो हड्डियां जब दो वर्टिब्रीज हैं ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ती हैं, जब ये जुड़ती हैं तो जिस जगह पे जुड़ती हैं वहां पे ज्वाइंट होते हैं, सपोज ये एक हड्डी एक दूसरी हड्डी, उसके उसके जो साइड के जो आकृतियां हैं, साइड के जो स्ट्रक्चर हैं, एनाटमी है, वो एक दूसरे पे जुड़ती है, तो जिस जगह पे जुड़ती है उसे फैसेट ज्वाइंट कहते हैं, यदि इनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाए तो वी कॉल इट फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, और ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपको कमर में दर्द होगा, लेकिन याद रखिएगा फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी में पेन जो है वो नीचे नहीं जाता, इसका मतलब ये भी सियाटिका नहीं है। तीसरी बात, पर सियाटिका जैसे ट्रीटमेंट इसका किया जाता है, कभी कभी वीकनेस की वजह से पैरों में दर्द जाता है, अदरवाइज बैक पेन ही होगा। तीसरी बात, इसको नोट कर लीजिए, एक कंडीशन आती है जिसमें जो जहां से आपकी जो स्पाइनल नर्व है, रीढ़ की हड्डी से नर्व निकलती है अलग अलग, आपको यदि नहीं मालूम होगा तो मालूम कर लीजिए, ये एक ऐसी सप्लाई है जो ये पावर हाउस ब्रेन का है और यहाँ पीछे से आपका मेरुदंड गया है, उससे बहुत सारी नर्व निकली हुई है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व जिस जगह को स्पाइनल कैनाल कहते हैं, तो स्पाइनल कैनाल का डायमीटर कम हो जाता है कब, जब इसमें कैल्सियम की वजह से, हार्डनिंग की वजह से ये नर्व रूट कंप्रेशन होता है, और नर्व रूट के कंप्रेशन की वजह से स्पाइनल कैनाल।